प्राण प्रतिष्ठा से 12 दिन पहले कांग्रेस ने कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला लिया है। आज कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिले निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने पार्टी की तरफ से इसे लेकर एक लिखित बयान जारी किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन अब 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस की तरफ से कोई नेता शामिल नहीं होगा। कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने के लिए जो बयान जारी किया है उसमें इस फैसले की कई वजहें बताई गई हैं। कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में हूबहू क्या लिखा है आपको पहले उसके बारे में बताते हैं। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए और लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस ने 5 लाइन के छोटे से स्टेटमेंट में कुछ शब्दों पर खास फोकस किया। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने के 2 कारण बताए। आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने लिखित बयान के क्या मायने। स्टेटमेंट में लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस ने अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। यानी कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस पर राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बयान में लिखा है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। यानी कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए मंदिर का उद्घाटन कर रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया तो इसे मुद्दा बनना ही था। बीजेपी ने तुरंत कांग्रेस के फैसले पर निशाना साधा और फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। क्या चारों शंकराचार्य जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, वीएचपी और जो आज तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, क्या उन सवालों का जवाब देंगे वो? कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों के माध्यम से सनातन धर्म को कुचलने की तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बायकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बायकॉट ही करने वाली है। किसी को नहीं जाना चाहिए, ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है और ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है ये ठेकेदारी करने वाली? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ठेकेदारी भाजपा कैसे कर सकती है? कांग्रेस पार्टी धर्म को आस्था का विषय मानती है, राजनीति का नहीं। किसी के ठेकेदारी के निमंत्रण पे क्यों जाएगा? उसको जाना होगा जाएगा। कह रहे हैं उनको कहने दो, सीरियसली क्यों लेते हो उनके पास? वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे, छोड़ो। सवाल यह है कि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निर्माण ठुकराया क्यों? क्या यह इंडिया के सहयोगी दलों के प्रेशर में लिया गया फैसला है? क्योंकि कांग्रेस से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल कई और दल भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात कह चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल बीजेपी पर राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए नौटंकी करने का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो
उन उत्सवों का समर्थन नहीं करती जो अन्य समुदायों को अलग रखते हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने कहा था कि अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया है। कल अखिलेश यादव ने कहा कि वो आलोक कुमार को जानते ही नहीं। अखिलेश ने कहा कि हम उनको निमंत्रण देते हैं जिन्हें जानते हैं और उनसे ही निमंत्रण लेते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी राम मंदिर के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि मंदिर की आड़ में राजनीति दुखद है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने उद्घाटन समारोह को धर्म के नाम पर राजनीतिक समारोह बताकर न्योता स्वीकार कर दिया। यह दूसरा मौका जब कांग्रेस ने इस तरह का फैसला लिया। 1950 में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में शामिल होने से तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बीच मतभेद उभरे थे। तब नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को मंदिर के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की सलाह दी थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद पंडित नेहरू की बातों को अनसुना कर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तब नेहरू की दलील थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है और देश के संवैधानिक मुखिया को किसी एक धर्म के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। तब राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर को एक विदेशी आक्रांता के प्रतिरोध का प्रतीक बताते हुए कहा था कि मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और उससे मैं स्वयं को अलग नहीं कर सकता। कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर आज जो फैसला लिया है उसकी शुरुआत कुछ साधु संतों ने पहले ही कर दी थी। कांग्रेस ने न्योता ठुकराने की एक वजह अर्धनिर्मित मंदिर के उद्घाटन को भी बताया। ये बात शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले ही कह चुके हैं। शंकराचार्य का दावा है कि आधे अधूरे मंदिर का निर्माण शास्त्रों के खिलाफ है। उनका यह वीडियो वायरल होगा। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं, अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है। रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर यह मंदिर है तो चंपत राय वहां पर क्यों है, नृपेंद्र मिश्रा क्यों है, राजा साहब क्यों है? फिर ये लोग हटे और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपे, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहां प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहां पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं।